हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। आज हम सीखेंगे बिहार इकोनॉमिक सर्वे, यानी आज हम सीखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। तो दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण पहले हम समझते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 2020 में बिहार ने दर्ज की 10.5% की आर्थिक वृद्धि दर। बिहार विधानसभा में प्रस्तुत 2020 से 2021 के आर्थिक सर्वे अनुसार राज्य की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 2019 से 20 में प्रदेश में 10.5% रही। अब पटना, बिहार विधानसभा में प्रस्तुत 2020 से 21 के आर्थिक सर्वे अनुसार राज्य की वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर 2019 से 20 में प्रदेश में 10.5% रही, जो देश के सकल घरेलू उत्पादक जीडीपी में उस साल दर्ज की गई 4.2% की वृद्धि से ऊंची है। स्थित मूल्य पर बिहार राज्य के जीडीपी में वर्ष 2018 से 2019 में 9.3% वृद्धि हुई। विधानसभा में 15वां आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 पेश करने बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि स्थिर मूल्य पर बिहार में वर्ष 2018 से 19 के 9.3% के अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के मुकाबले 2019 से 20 में प्रदेश में आर्थिक वृद्धि 10.5% रही, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और इसलिए इसका भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सर्वेक्षण, जिसमें कुल 13 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में कोविड-19 के दौरान सरकार द्वारा की गई पहल एक खंड शामिल है। तारकिशोर ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन के कारण उत्पादन गतिविधियों पर प्रतिबंध और मांग में कमी के नकारात्मक प्रभाव के बावजूद प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य सकल घरेलू उत्पादक में तृतीयक सेवा क्षेत्र 2014 के 57.3% से बढ़कर 2019 से 20 में 60.2% हो गया। उन्होंने कहा कि वही 2013 से 2014 और 2019 से 2020 के बीच सकल राजकीय मूल्य वर्धन में तृतीयक क्षेत्र में दो उप क्षेत्रों का हिस्सा उल्लेखनीय ढंग से बढ़ा है। पथ परिवहन का हिस्सा 4.4 से 5.9% और अन्य सेवाओं का 10.5% से बढ़कर 13.8% हो गया। तारकिशोर ने कहा कि राज्य ने एक दशक से भी अधिक समय से लगातार वित्तीय विवेक शीतल दशाई है और वित्तीय सूचकों से पता चला है कि वित्तीय वर्ष 2019 से 2020 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सकल राजकोषीय घाटा 2.0% था और राजस्व लेखे में अधिशेष बरकरार रहा। प्राथमिक घाटा में भी 2019 से 2020 में गत वर्ष की अपेक्षा कमी आई। उन्होंने कहा कि 2019 से 2020 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पादन वर्तमान मूल्य पर 6,11,804 करोड़ रुपए और 2011 से 2012 में स्थिर मूल्य पर 4,14,977 करोड़ रुपए था। वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने यह स्पष्ट किया कि 2020 से 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए आंकड़े वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के हैं, हालांकि कुछ आंकड़े सितंबर 2020 तक के भी ले
लिए गए हैं। राज्य में वृद्धि के भी आकार के होने के कारण चालू वित्त वर्ष की विकास दर के बारे में बताना मुश्किल है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 की विकास दर को बाद में अलग से जारी किया जाएगा। सिद्धार्थ ने कहा कि 2004 से 2005 से ही बिहार राजस्व अधिशेष वाला राज्य रहा है। राज्य सरकार का यह राजस्व अधिशेष 2019 से 2020 में बना रहा है। संकलन राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में राज्य सरकार की उधारी 2018 से 2019 में 3.6% से बढ़कर 2019 से 2020 में 4.8% हो गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2019 से 2020 में सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.0% था, जो 2019 से 2019 के 2.7% से कम है। 2019 से 2020 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संवर्ध क्षेत्र का कुल योगदान 18.7% रहा। इस वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में 173.8 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड दिया गया है। सर्वेक्षण में श्रम नियोजन और प्रवास के बारे में कहा गया है कि बिहार में 57.6% पुरुष श्रमिक स्वनियोजित थे, जबकि बिहार में नियमित और संवैतनिक पुरुष श्रमिकों का अनुपात सिर्फ 9.7% था, जो देश के सभी राज्यों में सबसे कम था। ठीक है, तो दोस्तों यही आपका था सर्वेक्षण, बिहार का सर्वेक्षण था, आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे यही था। तो आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे ही वीडियो हम फिर लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं।